वहीं खबर हिसार से है जहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, कुछ लोग जनता को गुमराह करके वोट हथियाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने जिस बहादुरी के साथ कांग्रेस को करारा झटका दिया है वो काबिले तारीफ है। अब समय आ गया है कि आदमपुर से भव्य बिश्नोई को भारी बहुमत से विजयी बनाया जाए। कार्तिकेय शर्मा ने आदमपुर हल्के के गांव का भी दौरा कर जनता से भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगे। कार्तिकेय शर्मा के साथ अनेक पार्टी नेता मौजूद रहे। कॉन्स्टिट्यूंसी भजनलाल जी के परिवार में रही है। मैं बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पे राज्यसभा का सांसद बना हूँ। उस पर मुझे बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद मिला, भाजपा का आशीर्वाद मिला, कुलदीप बिश्नोई जी का आशीर्वाद मिला, बहुत सी पार्टियों का मिला, और तभी मैं एक सांसद के तौर पर बन के आया हूँ। और आज वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं उनकी मदद करने आया हूँ और उनके लिए सहयोग मांगने आया हूँ, उनका सहयोग करने आया हूँ। सर मदद तो इनेलो ने भी की थी। जी बिल्कुल की थी, तो उनका भी जाएंगे बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे थे, अभी चौटाला जी ने भी अपने विचार बड़े क्लियरली रखे थे कि हमारे पारिवारिक संबंध थे इसलिए उन्होंने हमारी मदद की थी। और रही बात यहाँ की, तो कुलदीप बिश्नोई जी की जो वोट थी वो आखिरी क्रूशियल वोट ऐसी थी जिसकी वजह से मेरी जीत हासिल हो पाई थी। और वो जिस तरह के संस्कार मेरे अंदर हैं, जैसे विनोद शर्मा जी जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है, मैं पहले भी यह कह चुका हूँ मन से कि मैं उनकी मदद करूँगा, मेरा परिवार उनकी मदद करेगा और मैं भव्य के लिए कैंपेनिंग करने आया हूँ और मैं जरूर करूँगा।